नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने चैनल VIIIC में। और मैं अमित कुमार सोनी एक बार फिर लेटेस्ट अपडेट नई जानकारी के साथ में उपस्थित हूं सभी के समक्ष और हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करते चलें चैनल को। लेटेस्ट अपडेट लगातार आ रही हैं DPI से संबंधित, जनजाति विभाग से संबंधित और भी कई सारे हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से निर्णयों से रिलेटेड। तो दोस्तों कंटिन्यू जानकारी मिलती रहे इसके लिए बेल आइकन पर प्रेस भी करते चलें, शेयर भी कर दें अधिक से अधिक वीडियो को, और पसंद आता है तो लाइक करें। दोस्तों जैसा कि हम सब जानते हैं कि दस्तावेज सत्यापन का कार्य कंप्लीट हो चुका है, DPI में ये पूरा 100% हो चुका है। और यदि हम जनजाति विभाग की बात करें, आदिम जाति कल्याण विभाग की बात करें, तो वर्ग दो का ही शेष रह गया है, वो भी कुछ समय में कंप्लीट हो जाएगा। और इसके बाद में दोस्तों जो होल्ड प्रकरण हैं और रिजेक्ट प्रकरण हैं उनके ऊपर भी कार्य किया जाएगा। DPI ने संभवतः ये कार्य कंप्लीट कर लिया है और अगस्त में जो है ज्वाइनिंग की बात उन्होंने कही है, अभी हाल ही में जो आंदोलन हुआ था उसके आधार पर। अब दोस्तों यहाँ पर कई सारे प्रकरण ऐसे हैं जो कि आंदोलन कर रहे हैं और चाहते हैं कि हम भी इस भर्ती में शामिल किए जाएं। उनमें से कुछ एलाइड सब्जेक्ट से संबंधित हैं जिनको कि दस्तावेज सत्यापन में बाहर कर दिया गया। काफ़ी सारे डबल डिग्री से रिलेटेड है जिनका कि एक ही सत्र में डबल डिग्री है, तो वो भी दो कैटेगरीज में है, या तो उनकी डबल डिग्री है या फिर उनकी एक डिग्री और डिप्लोमा है, या तो वह रेगुलर मोड पर हैं दोनों, या फिर उनमें से एक रेगुलर है और दूसरा प्राइवेट है। तो दोस्तों UGC के जो नियम हैं उनके अनुसार यदि हम बात करें तो 2003 और 2016 के हिसाब से ही गवर्नमेंट शिक्षा विभाग इस पर काम कर रहा है और उन्हीं नियमों को फॉलो करते हुए रिजेक्ट और सिलेक्ट के प्रकरण बन रहे हैं। तो दोस्तों आइए अब हम समझने का प्रयास करते हैं कि 2003 से लेकर के 2020 की स्थिति तक किस प्रकार से इन नियमों में परिवर्तन हुआ और आगे क्या कंडीशन होगी, डबल डिग्री को एक्सेप्ट किया जा पाएगा या नहीं किया जा सकेगा, और इसके संबंध में जो केस चल रहा है उसके निर्णय के भी बारे में हम कुछ आकलन कर सकते हैं, कुछ संभावना व्यक्त कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं 2003 की। तो जैसा कि आप ये देख पा रहे हैं ये भारत सरकार का जो गजट पत्र है और इसमें UGC से संबंधित पूरे दिशा निर्देश दिए हुए हैं। लगभग 7-8 पेज का ये है और इसमें स्पष्ट एकदम नहीं दिख रहा, लेकिन आप यदि इसको वेबसाइट से अपलोड करेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। फिर भी इतना सारा बताना यहाँ संभव नहीं है। मैं खास पॉइंट आप लोगों को बता देता हूँ कि इसमें डबल डिग्री को मान्य नहीं किया गया था और कहा गया था कि एक ही सत्र में डबल डिग्री को हम अलाउ नहीं करते। सीधी सीधी बात इसमें दोस्तों यही है। उसके बाद में जैसा कि आप ये देख पा रहे हैं कि 2012 2012 के सर्कुलर के अनुसार जो सब्जेक्ट डबल डिग्री से था वो था कि टू कंसीडर द इशू ऑफ परसुइंग मोर देन वन डिग्री साइमल्टेनियसली एंड जॉइंट डिग्री प्रोग्राम। तो दोस्तों 29 अक्टूबर 2012 को एक मीटिंग का आयोजन किया गया और जितने भी यूनिवर्सिटीज थी उनमें 22 चांसलर्स को एक लेटर भेजा गया और उसमें लिखा गया कि आप इस डुअल डिग्री के संबंध में अपने अपने मत दें, अपने अपने विचार दें। और उसके बाद में दोस्तों सभी मतों के आने के बाद में एक कमेटी बनाई गई जिसमें कि प्रोफेसर फुरकान कमर 22 चांसलर थे, उनको चेयरमैन बनाया गया और कई सारे मेंबर्स थे। उन मेंबर्स ने मिलकर के जो नियम डिक्लेयर किए कि डबल डिग्री या डिप्लोमा के साथ डिग्री करने के जो भी रूल्स हैं तो वो इस प्रकार से रहेंगे। तो दोस्तों नंबर वन पॉइंट देखें आप कि टू परस्यू मोर देन वन डिग्री प्रोग्राम साइमल्टेनियसली द माइन्यूट्स ऑफ द अर्लियर मीटिंग्स हेल्ड ऑन 13/5/2011 एंड 9/7/2012 वर परस्यूड एंड डिस्कस्ड बाय द कमेटी। और इस प्रकार से जो नियम बनाए गए कमेटी के डिस्कस करने के बाद में वो इस प्रकार से हैं। तो पहला पॉइंट देखें ए कि अ स्टूडेंट एनरोल्ड इन अ डिग्री प्रोग्राम अंडर रेगुलेशन एंड अलॉट टू परस्यू ए मैक्सिमम ऑफ वन एडिशनल डिग्री प्रोग्राम साइमल्टेनियसली अंडर ओपन डिस्टेंस मोड फ्रॉम द सेम और अ डिफरेंट यूनिवर्सिटीज। हाउएवर टू डिग्री प्रोग्राम्स अंडर रेगुलर मोड मेट नॉट बी अलॉट, यानी कि टू डिग्रियों को अलाउ यहां पर नहीं किया है साइमल्टेनियसली एज इट मे क्रिएट लॉजिस्टिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड एकेडमिक प्रोग्राम। तो जो तार्किक और जो प्रशासनिक और एकेडमिक प्रॉब्लम से वो समस्याएं आती हैं, इसलिए एक ही यूनिवर्सिटी से या अलग अलग विश्वविद्यालय से सेम समय पर रेगुलर डिग्री को यहां पर मान्य नहीं किया जा सकता।
दूसरा पॉइंट है कि अ स्टूडेंट परस्यूइंग ए डिग्री प्रोग्राम अंडर रेगुलर मोड मे बी अलॉट टू परस्यू ए मैक्सिमम ऑफ वन सर्टिफिकेट डिप्लोमा एडवांस डिप्लोमा पीजी डिप्लोमा प्रोग्राम साइमल्टेनियसली इधर इन रेगुलर और ओपन एंड डिस्टेंस मोड इन द सेम यूनिवर्सिटी और फ्रॉम अदर इंस्टीट्यूशन। तो दोस्तों दो डिग्री को अलाउ नहीं करता, लेकिन वन सर्टिफिकेट वन डिप्लोमा एडवांस डिप्लोमा पीजी डिप्लोमा प्रोग्राम को वह रेगुलर मोड पर या डिस्टेंस मोड पर स्वीकार करता है। तो दोस्तों इस प्रकार से ये जो नियम लागू हुए ये 2012 के रूल्स थे। चलिए दोस्तों अब हम आ जाते हैं 2016 में। जैसा कि आप ये देख पा रहे हैं इसका सब्जेक्ट था क्लेरिफिकेशन अलाउइंग स्टूडेंट्स टू परस्यू टू डिग्री साइमल्टेनियसली, और ये जनवरी 2016 में इशू किया गया एक पब्लिक नोटिस था। इसमें था कि द कमीशन हैड सॉट द कमेंट्स ऑफ द स्टेचुरी काउंसिल। द रिस्पॉन्स सो फॉर रिसीव्ड डू नॉट एंडोर्स द आइडिया ऑफ अलाउइंग द स्टूडेंट टू परस्यू टू डिग्री साइमल्टेनियसली, यानी कि ये उसकी अनुशंसा नहीं करते कि डबल डिग्री एक साथ की जानी चाहिए एक ही समय पर। Therefore, the universities shall conduct their program in accommodate with the first degree and master degree regulation 2003. यानी 2003 के नियमों के आधार पर ही जो भी प्रोग्राम आपको लागू करना है, जो भी यूनिवर्सिटीज इनको लागू करना चाहती हैं अपने नियमों को, तो वह इसी के हिसाब से रेगुलेट होंगी। Prescribed by the UGC and also follow the norms and parameters prescribed by the statutory council concerned wherever in relevant. और इस प्रकार से दोस्तों उन्होंने ये निर्णय दिया कि डबल डिग्री की हम अनुशंसा नहीं करते और 2003 के रूल्स एंड नियमों के अनुसार ही मान्य किया जाना चाहिए, और गवर्नमेंट केवल इन्हीं दोनों नियमों के अनुसार मान्य कर रही है। 2003 का रूल्स भी दोस्तों मैं आप लोगों को गजट पत्र में जो नियम लिखे हुए हैं काफ़ी बड़ा था वो मैं बता चुका हूँ, इसे आप अपलोड कर सकते हैं यूजीसी की वेबसाइट से और अच्छे से इसको समझ सकते हैं जो भी इसके अंतर्गत आ रहे हैं। चलिए दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं कि मई 2020 में क्या हुआ। तो दोस्तों इस केस में जो आपके सामने हेडिंग है वो ये है कि पोस्ट यूजीसी नोट स्टूडेंट्स मे बी लेट टू परस्यू टू डिग्रीज एट सेम टाइम, यानी कि यहाँ पर जो कमेटी गठित की गई उसमें डबल डिग्री को मान्य करने की अनुमति दी गई। यहाँ तक हमने इसके पहले देखा कि डबल डिग्री को किसी भी स्थिति में मान्य नहीं किया जा सकता, लेकिन जो डिप्लोमा के साथ में मान्य कर सकते हैं, सर्टिफिकेट के साथ में मान्य कर सकते हैं, दो डिप्लोमा को मान्य किया जा सकता है, दो सर्टिफिकेट को मान्य किया जा सकता है, लेकिन कहीं पर भी यूजीसी दो डिग्री के मान्य करने की बात नहीं करता सेम समय पर, चाहे वह डिफरेंट यूनिवर्सिटीज हो चाहे वह सेम यूनिवर्सिटीज हो। अब दोस्तों यहां पर जो मीटिंग परसों की गई थी और जिस मीटिंग के आधार पर निर्णय लिया गया कि अब आगे आने वाले समय में डुअल डिग्री अलाउ कर ली जाएगी, चाहे वह डिफरेंट यूनिवर्सिटी से हो चाहे वह सेम यूनिवर्सिटी से हो, और उसकी शर्त यह रहेगी कि एक मोड ओपन होना चाहिए या प्राइवेट होना चाहिए। तो दोस्तों जो प्रस्ताव पास किया गया था वो इस प्रकार से था कि द प्रपोजल वाज अप्रूव्ड इन द रिसेंट कमीशन मीटिंग फॉर साइमल्टेनियस ड्यूअल डिग्री फॉर स्टूडेंट्स इन इंडिया अलाउइंग स्टूडेंट्स टू कंप्लीट कोर्सेज इन द सेम और डिफरेंट स्ट्रीम्स एट द सेम टाइम। वन ऑफ द टू डिग्रीज हाउएवर हैज टू बी थ्रो रेगुलर मोड एंड द अदर हैज टू बी थ्रो ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग। तो दोस्तों क्लियर हो गया कि एक रेगुलर होना चाहिए और एक ऑनलाइन डिस्टेंस मोड पर होना चाहिए, लेकिन दोस्तों ये प्रस्ताव केवल कमेटी में पास हुआ है और आगे इसे कैबिनेट में पास होना है। जैसे ही ये पास हो जाएगा तो यूजीसी अपनी वेबसाइट पर नोटिफिकेशन जारी कर देगी और उसके बाद में इस नियमों को मान्य कर लिया जाएगा, और इस प्रकार से डुअल डिग्री करने की जो भी कैपेबिलिटी है और जो भी योग्यता रहेगी आगे आने वाले समय में वह मान्य की जाएगी। तो दोस्तों ये थी पूरी यूजीसी की 2003 से लेकर के 2020 तक की स्थिति। समय समय पर यह परिवर्तित होती रही, और हालांकि इस प्रकार के नियम परिवर्तन होने से काफ़ी कुछ दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया में भी, और काफ़ी अभ्यर्थी इन्हीं नियमों के आधार पर बाहर किए जा रहे हैं। तो हालांकि इसको चुनौती भी दी गई है हाईकोर्ट में। अब आगे हाईकोर्ट डुअल डिग्री के संबंध में क्या निर्णय लेता है ये तो समय आने पर भी पता चलेगा, लेकिन जो भी होगा आपके सामने होगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।